गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी ब्यूटी हैक्स। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसे मास्क को हम लोग घर पे बना के ताकि हमारी स्किन पे लाइट एंड व्हाइट एंड ब्राइट एंड ग्लास स्किन प्रोवाइड करेगा, बल्कि हमारी स्किन को हील करेगा, रिपेयर करेगा, हमारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लॉस ऐड करेगा, हमारी स्किन को हेल्दियर बनाएगा, ब्राइटर बनाएगा, रेडियंट बनाएगा। मैं इस पैक की जितनी भी तारीफ करूँ वो सारी कम है गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने इसमें यूज करा है फिनल पाउडर, जिसे सौंफ का पाउडर कहते हैं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है लिकरिश पाउडर, जिसे मुलैठी का पाउडर कहते हैं। हमने इन दोनों को साथ में तवे पे रोस्ट कर लिया था, सेक लिया था, जो कि हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में करके पीस लिया है। और ये हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है गाइस, ये है रोज पेटल्स और मिल्क। हमने यहाँ पे रॉ मिल्क यूज किया है। हमने रोज पेटल्स को रॉ मिल्क में रात भर के लिए डुबो के छोड़ दिया था। तो अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो आप लोग अगर इसे कहीं पे भी रखोगे तो ये फटेगा नहीं दूध। और अगर आप इस लोग इसको समर में भी यूज करोगे तो भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रखना होगा गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, जिसमें हम लोग 1 टेबल स्पून मुलैठी का पाउडर ऐड करेंगे। और हम लोग इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अपने पैक की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए और इस पैक को एक मास्क बनाने के लिए ये पाउडर, ये जो हमने मिल्क लिया है जिसमें रोज पेटल्स हमने भिगोया हुआ था, उसे यूज करेंगे। सो गाइस, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस, हमने इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। गाइस, सौंफ के अंदर हीलिंग एजेंट ज्यादा होते हैं और जो हमारा मुलैठी का पाउडर है उसमें वाइटनिंग एजेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और जब ये दोनों मिक्सचर मिल जाता है तो इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है, 2x हो जाती है। सो गाइस, मैं यहाँ पे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, मैं अपने ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा दरदरा सा बनेगा क्योंकि गाइस जो मुलैठी होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, वो बार्क की होती है, जो हम लोग बार्क होता है ना, बार्क उससे ये पीसी जाती है। तो ये थोड़ी सी हार्ड कंसिस्टेंसी रहेगी। आप लोग बिल्कुल घबरा होने की, ये हमारी स्किन को बहुत खराब कर देगी, नहीं गाइस, इसमें हीलिंग एजेंट्स भी होते हैं और इसमें वाइटनिंग एजेंट्स भी होती है। सो गाइस, मैंने अपने हैंड्स पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं 30 मिनट्स के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। सो गाइस, मैंने अपने हैंड्स को वॉश कर लिया है और पैड ड्राई कर लिया है। आप लोग विजिबली देख सकते हो कि इसने एक बार की यूज में मेरी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो, रेडियंस और हीलिंग एजेंट प्रोवाइड किया है। सो गाइस, जल्दी जल्दी जाइए इस रेमेडी को यूज करिए और बताइए इसने आपके स्किन पे कैसा ग्लो प्रोवाइड किया, कैसे हीलिंग प्रोवाइड की। सो दिस इज फॉर माई टूडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन अपलोड अ वीडियो। So I will see you in my next one. Tab tak ke liye, bye guys.